लेकिन अभी थोड़ा सा पेशाब करने के लिए बाहर निकले और उसके बाद हमारा सारा जगह संतुष्टि हो गया। दोस्तों स्वागत करते हैं नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ त्रेतपाली मठ और कुछ ही देर में बाबा का एंट्री होने वाली है। हाँ जी हाँ दोस्तों, कुछ ही देर में बाबा आने वाले हैं, बाबा बागेश्वर जी। तो और बाबा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से रहे लोग और देखिए काफ़ी लोग आ चुके हैं और भी बहुत लोग आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी जो टेंट है और पंडाल बना हुआ था वो भर चुकी है और बहुत सारे लगभग 2-3 लाख यहाँ पर आ चुके हैं और भी आ रहे हैं यहाँ पर। और इसी रास्ते से बाबा जी अंदर प्रवेश करेंगे और स्टेज पर जाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बाबा जी को देखने के लिए यहाँ पर लाखों लोग आए हुए हैं। लोग बेताब हो रहे हैं कि बाबा को कब दर्शन होगी और यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ चढ़ कर बाबा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए कितना भीड़ है, कितना संख्या में आए हुए हैं, जितना हम लोग सोचे थे उससे कई गुना यहाँ पर बाबा को देखने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर भैया मिल गए हैं, काफी दूर से आए हुए हैं, तो चलिए हम बात करते हैं। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? हमारे बेतिया से। बेतिया से? जी हाँ। और कब आए हैं यहाँ पर? यहाँ पर 6 बजे आ चुके हैं, सोचे कि हाँ कि आगे जगह मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशाब करने के लिए बाहर निकले और उसके बाद हमारा सारा जगह लुटा गया। अब वॉलंटियर अंदर भी नहीं घुसने दे रहा है। देखिए हम भगवा कलर के पहन के आए हैं ड्रेस ताकि अंदर चले जाएंगे, लेकिन अब क्या करें, एंट्री नहीं मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत परेशानी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाबा बागेश्वर का एंट्री हो चुका है और देखिए ग्रैंड एंट्री। बाबा कभी सोचे नहीं थे कि इतना बिहार में प्यार मिलेगा और इससे कई गुना बाबा को प्यार मिल रहा है। देखिए कितना खुश हैं बाबा। और यहाँ पर जय श्री राम का नारा गूंज उठा।